तबीयत में, किडनी में स्टोन हो गया, बहुत बड़ा ना, अभी स्टार्टिंग में है, इंशाल्लाह जल्दी से शिफा हो जाएगी। सब लोग भी दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको, आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, दीन और दुनिया की कामयाबी अता करे, आमीन। दोस्तों शायद आप इनकी शख्सियत को जान रहे होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि ये है नौशाद भाई कर्नाटका। ये भी शहाब भाई के तरह कर्नाटक से पैदल हज के वास्ते निकल चुके हैं और अब तक इन्होंने 3-4 स्टेट को भी क्रॉस कर लिया है। दोस्तों इनका करंट लोकेशन जो है, आज का लोकेशन वो है दिल्ली मुस्तफाबाद का, यानी ये दिल्ली के अंदर मुस्तफाबाद में ठहरे हुए हैं। लेकिन इनके तरफ से एक बहुत ही अफसोसनाक अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत गम वाली बात है। यकीनन आप भी सुनकर रंजीदा हो जाएंगे, गमजदा हो जाएंगे कि कैसे कोई पैदल हज करने वाले के साथ इस तरह का मामला हो सकता है। इनका भी ख्वाब है, इनका भी ड्रीम है कि मैं भी पैदल चलकर 2024 में खाने काबा का तवाफ करूं, रोजे रसूल पर हाजिरी लगाऊं और मुकम्मल हज करके वापस अपने वतन लौटूं। नौशाद भाई की उस अपडेट से पहले मैं शहाब भाई की आज की अपडेट देना चाहता हूं। शहाब भाई जब से वापस आए हैं अपने ख्वाब, अपने ड्रीम को मुकम्मल करके, अपने हज को मुकम्मल करके, तब से लेकर इंडिया में आज यहाँ जा रहे हैं तो कल वहाँ जा रहे हैं, यानी उनका प्रोग्राम ही प्रोग्राम हो रहा है, ज़्यादातर वो प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, हर कोई उन्हें बुला रहा है आज यहाँ तो कल यहाँ। आज की जो अपडेट है वो शहाब भाई आज अभी तक मेरे ख्याल से वो राजस्थान पहुंच गए होंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पर आज उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है। दोबारा शहाब भाई का राजस्थान में पुरजोर इस्तकबाल हुआ है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये वीडियो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्रीन पर। तो काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज में शहाब भाई का इस्तकबाल हुआ, जैसे शहाब भाई एयरपोर्ट पहुँचे तो भीड़ ज़्यादा जमा हो गई और हर कोई सेल्फी लेने के लिए बेताब हो गया कि मैं उस शख्सियत से मिल रहा हूँ जो हिंदुस्तान से 8,640 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके रोज़े रसूल पर हाजिरी लगाया इश्क़ मोहम्मद में और अल्लाह के मोहब्बत में इन्होंने खाने काबा का तवाफ़ किया 8,640 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके। वहाँ उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो जो भाई भी इस वीडियो को राजस्थान से देख रहे हैं तो आप शहाब भाई से जाकर मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर नौशाद भाई के साथ वो मामला किया हुआ, जो अफसोसनाक बात है, वो कहानी क्या हुई है नौशाद भाई के साथ, के बहुत ज़्यादा दिलों को गम करने वाली कहानी है। तो दोस्तों बात यह है कि नौशाद भाई को पिछले कई दिनों से पेट में दर्द हो रहा था, जिसके बाद उन्होंने स्कैन करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो पता ये चला कि उनके किडनी में स्टोन है, यानी पथरी है। तो पथरी निकल आया जिसकी वजह से वो मुसलसल सफ़र भी नहीं कर सकते, तो अभी उनका सफ़र स्टॉप है, रुका हुआ है, मुस्तफ़ाबाद में वो क़याम कर रहे हैं। उन्होंने ऑफिशियली एक वीडियो बनाकर कहा है कि हमारे किडनी में जो है वो स्टोन हो चुका है, पत्थर हो चुका है, अब तमाम लोगों से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ करें, हमें अल्लाह पाक जल्द सेहत याब बना दे ताकि हम अपने इस पाक जर्नी को दोबारा स्टार्ट कर सकें, ताकि हम इस मोहब्बत भरी जर्नी को, सफ़र को दोबारा शुरू कर सकें। तो दोस्तों हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई दीनी काम में रिकॉर्ड बनाना चाहता है, शहाब भाई भी जिस वक्त निकले थे तो उनको बहुत सारे लोगों ने बुरा भला कहा था, इनको भी कह रहे हैं, तो मुझे, हम लोगों को पॉजिटिव रहना, निगेटिव नहीं रहना, क्या मुजायका है अगर कोई दीनी काम में रिकॉर्ड बना रहा है, हमें सपोर्ट करना चाहिए और उनके लिए हमें दुआएं करनी चाहिए, अपनी दुआओं में उन्हें जरूर शामिल रखना चाहिए। तो हम दिल की गहराई से और मुकम्मल दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक नौशाद भाई को जल्द से जल्द सेहत याब बना दे। आप भी दुआ करें कि उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो परेशानी है, अल्लाह पाक जल्द से जल्द दूर फरमा दे ताकि वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सके और 2024 में बआसानी पहुंचकर मक्कतुल मुकर्रमा का तवाफ करें, हज करें, खाने काबा का हज करें और रोज़े रसूल पर हाजिरी लगाएँ। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि नौशाद भाई की डेली अपडेट आप तक पहुँचती रहे तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। हाँ एक बात और बता दूँ, हर तरह की इस्लामिक रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहती है, हर करंट अफेयर पर आपको वीडियो मिलेगी और इस्लामिक वीडियो तो हर हाल में ज़रूर मिलेगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।